ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं वो कैसा है कहां है कैसे मिलता है किसने देखा है ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर तो पुरात्मा आज का जो सत्संग चल रहा है ये वर्तमान का समागम ये किस उपलक्ष्य में है परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं जो परमात्मा के लिए भटक रहे हैं और उनको फिर तत्व ज्ञान समझा कर सत भक्ति वो दो अखर का मंत्र सतनाम देकर उनका कल्याण करते हैं अब काग भूसठ जी भक्ति भी कर रहे थे ऋषि संतों से उपदेश भी ले रखा था तब परमात्मा गए बेटा इस साधना से तेरा जन्म मृत्यु नहीं मिट सकता और पूरी सृष्टि रचना सुनाई तब कागभूषण ने बताया गरुड़ जी को कि गरुड़ जी जो साधनाएं आप कर रहे हो भगवान विष्णु को आप परमात्मा मानकर ये पूर्ण परमात्मा नहीं है इसकी तो आप जन्म मृत्यु होती है अब कागभूषण से ये ज्ञान सुनकर गरुड़ जी की भी आंखें खुल गई कि भी सचमुच इनकी जन्म मृत्यु होती है और कागभूषण ने यहां तक बताया परमात्मा कबीर जी जो जोग जीत रूप में उनको मिले थे के बेटा ये ब्रह्मा भी सुनो महेश तुम्हारे किसी भी प्रारब्ध के कर्म को कम और ज्यादा नहीं कर सकते यानी तेरे मृत्यु है तो मृत्यु होगी ही होगी ये उसमें एक्सटेंड नहीं कर सकते गुरुड जी के मन में आया माए बात भी सच्ची है फिर ये किसी भगवान फिर परमात्मा आकर के गुरुड जी को भी मिले जब ये चर्चा उनकी चली किसी अन्य रूप में तो गुरु जी को फिर खूब ज्ञान समझाया उनको मंत्र दिए प्राथमिक मंत्र देते थे परमात्मा पहले तो हम क्या करते रहे जैसे पहले हम परमात्मा के शिष्य बहुत कम होते थे संसार और काल के पुजारी ज्यादा होते थे नाम ले लेते थे कुछ दिन ठीक साधना करते थे फिर छोड़ देते थे लेकिन वो दयालु हैं इस पीक टाइम के लिए आप में भक्ति बनाए रखने के लिए वो जगह जगह प्रगट होकर या किसी संत को प्रेरणा कर जाते थे या स्वयं कुछ समय रह करके हमारे कर्म बनवा जाया करते थे जिस कारण से हमारे मनुष्य जन्म बनते हुए होते हुए आ रहे हैं और आज तक आस्था है भगवान की और वो यही चाहत है परमात्मा कि जब तक ये प्राइम टाइम आवा बिचली पीढ़ी का आस्था बनी रहे मनुष्यों में भगवान की नहीं तो पुणात्माओं अगर सौ वर्ष और लेट हो जाता ये समय आज जो चल रहा है राम नामकरण या भारत में नहीं पाओ या कर बता देता हूँ आपको कति नाश हो जाता भक्ति का क्योंकि जितने ये पंथ है ये सब शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं और जितने भी हिंदू धर्म के हमारे गुरुदेव हैं ये वेदों और गीता के विपरीत ज्ञान देकर वो साधना करवा रहे हैं जो तो कति यूजलेस है और जिस कारण से हमें भगवान की राहत मिल नहीं रही हम लुटेरे बन गए हम रिश्वत लग गए हम मिलावट करने लग गए जिसे धनी बनना चाहते हैं और दू आए गए तक आपको आस्था बनाई रखनी थी और अब संभाल लिया अब आपको वो लाभ मिलेंगे जो भगवान दिया करता है आपको यहां भी सुख देगा जो आवश्यक होंगे आपके लिए और आपको सत भक्ति देकर सतलोक ले जाएगा तो जी ने जो परमात्मा का ज्ञान सुना बड़ा विश्वास हुआ एक दिन गरुड़ जी ने विष्णु जी से गोष्ठी की उनसे चर्चा की कि भगवान आपसे भी ऊपर कोई शक्ति है तो ये क्या होता है कि जैसे कोई भी किस पोस्ट में है उसके प्रशंसक स्वरूट मारणीय गणे हो जाते हैं। जैसे आपने शिवपुराण में सुना कि एक बार विष्णु जी और बर्मा जी का झगड़ा हो गया युद्ध हो गया वो किस बात पर हो गए बर्मा जी कहता मैं तेरा बाप विष्णु कहता मैं तेरा बाप ऐसा भ्रम इनको हो जाता है तो विष्णु जी ने जब ये बात सुनी गुरुड जी गुरुड उनका वाहन है न समझ लो उनका ड्राइवर है एक किस्म से जैसे कोई मुख्यमंत्री का ड्राइवर है लेकिन मुख्यमंत्री को ज्ञान ना है भक्ति का तो अलग बात है और ड्राइवर को ज्ञान है और ड्राइवर ये कह दे उसको तो इस प्रकार समझो भी और मुख्यमंत्री ना मानने वह अलग बात है लेकिन परमात्मा से बड़ा कोई नहीं होता तो ऐसे गुरुड जी ने उनसे जिक्र किया तो विष्णु नहीं मानना कहने लगे अच्छी बात करे तो अब उसने क्या किया हाँ ब्रह्मा से जाकर डिस्कस की पहले अब मां ने विष्णु भी बुला लिया शिव जी भी बुला लिया वहीं पर तीनों मंत्री इकट्ठे हो गए कह लगे आज ये पता नहीं गुरुड के बांगी रहा है नो कह तुमसे ऊपर कोई शक्ति है तुम तो किसी का भला बुरा कर ही नहीं सकते तुम किसी का प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते वो कहने लगे भाई ऐसे कैसे बात है हम क्यों नहीं कर सकते गुरुड जी गुरुड जी कहने लगे जी देखो बात सुनो तो गुरु जी ने ध्यान लगा परमात्मा ने सूक्ष्म रूप से बता कि इन नुह कह दे एक लड़का मर गया फलाने द्वीप में और उसको जीवित कर दो उसका समय नहीं आगे उसकी मृत्यु हो चुकी में सांस नहीं। उसके जीवन नहीं है तो गुरुड जी ने कहा कि मैं एक बालक लाता हूं जिसकी मृत्यु अभी हुई है तुम तो उसकी आयु बढ़ा दो मान लूंगा तुम सुप्रीम पावर हो वो कहने के ल्या गुरुड जी उनको लेकर आ गया बच्चे को तो वो ना जीवित हुआ ना ब्रह्मा माँ पे ना विष्णु जी पे ना शिव जी पे फिर वो गए अपनी माँ के पास दुर्गा के पास अब दुर्गा से कहा कि माता ऐसे ऐसे गुरुड कहता है कि हमसे भी ऊपर कोई पावर है तब तो दुर्गा ने कहा बेटा तुमसे ऊपर तो बहुत बड़ी पावर है तो उसने कहा माता जी हमारी बेजती हुआ है आप इस बालक ने जीवित कर दो वह ना भाई ये हमारी पावर से बाहर की बात है इसको तो पूर्ण परमात्मा परम अक्सर ब्रह्म वो कर सकता है ये अपने बस की बात नहीं बेटा तो कहते तीनवा नमो लटका लिया से होकर उठ कर चले गए गुरु जी के पास से तो कहने का भाव ही है जब हम सच्चाई से परिचित होते हैं तब तो हमने इन भगवानों की समर्थता का ज्ञान होता है और वो समर्थ हमारे लिए भटक रहा है आज का जो समागम है ये इसी उपलक्ष में है कि वो परमात्मा सतलोक से आते हैं अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उसके लिए कहा प्रमाण है ऋग्वेद मंडल नंबर छियासी के मंत्र छबीस और सताइस में ऋग्वेद मंडल नंबर नौ सूक्त बयासी के मंत्र एक दो तीन में ऋग्वेद मंडल नंबर नौ सूक्त बीस मंत्र एक में ऋग्वेद मंडल नंबर नौ सूक्त एक मंत्र आठ और नौ में ऋग्वेद मंडल नंबर नौ सूक्त नाइन्टी सिक्स छियानवे के मंत्र सोलह से बीस में ऋग्वेद मंडल नंबर नौ सूक्त चौरानवे के मंत्र एक में और भी अनेकों स्थानों पर इसका क्या निष्कर्ष है पवित्र ग्रंथ के मंत्रों का के पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब है सर्व का उत्पादक करने वाला सबकी सृष्टि रचना वही करता है वो सतलोक रहता है ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में और वहां मनुष्य दृश्य शरीर है राजा की तरह दृश्य राजा सबका मालिक होकर रहता है ऐसे वो ऊपर सिंहासन पर विराजमान है मनुष्य दृश्य है वहां से गति करके आता है चल के बहुत स्पीड से इतनी स्पीड है उस परमात्मा की मन की स्पीड भी फेल है उसके सामने तो वहां से परमात्मा चल कर आता है और फिर वो यहां आकर क्या करता है अच्छी आत्माओं को मिलता है और वो काल के जाल में फंसे हुए दल दल से निकालता है एक समय एक अब्राहिम सुल्तान अधम नाम का मुसलमान राजा था बलक शहर का वो राजा था बहुत ज्यादा उसकी संपत्ति थी और पिछले जन्म का वो परमात्मा का हंस था वो कौन था पिछले जन्म में एक सम्मन नाम का मनियार था उसकी पत्नी नेकी थी और ये सम्मन और नेकी द्वापर युग में वाल्मीकि के घर में जन्म था ये दोनों पति पत्नी ही थी और उनको परमात्मा मिले थे बालक रूप में जैसे वो लीला करते हैं प्रत्येक युग में तो उनकी उस सेवा के वश परमात्मा ने उनको फिर वहां कर संभाला था उसके बाद नेक्की और उसका पुत्र सेव तो पार हो गया था सम्मन नहीं हुआ था तो वो सम्मन ने उस जन्म में बहुत ज्यादा पुण्य किए थे ये कथा अलग से सुनाऊंगा कभी आज विषय दूसरा है उसने अपने पुत्र की कुर्बानी भी दे दी थी परमात्मा की सेवा के लिए कबीर साहब ने उसको जीवित कर दिया था फिर वो सम्मन पार नहीं हुआ लेकिन उसने जो पुण्य किए थे परमात्मा के संग रह करके कुछ दिन भक्ति की थी उसके परिणाम स्वरूप वो अगले जन्म में एक नौ शेर खान नाम का राजा बन गया और इतना कंजूस हो गया कि वो कोई दान करे नहीं और गनाय धन था तब परमात्मा वहां भिखारी बनकर गए उस नौ शेर खान नाम के राजा के पास और कहा कि महाराज कुछ दक्षिणा दे दो और राजा बोला महाराज जी मेरे पास तो धन है नहीं कंगाल आदमी हूं मैं तो महाराज ने कहा उस परमात्मा जो संत रूप में खड़े थे कबीर साहब के राजन तेरे पास तो अस्सी खजाने हैं अस्सी गंज एक गंज में अरबों की संपत्ति होती है खरबों की हीरे पन्ने लाल सोना और उसकी अस्सी धजाये फरक रही थी तो उनका अर्थ होता था कि राजा के पास असी गंज खजाना है तो परमात्मा ने कहा कि आपके ये झंडे और खजाने असी गंज बचाए तेरे पास नौशेर खान ने कहा कि ये मैंने कोले दबा रखे नीचे बाबा जी लोगों को भ्रम बनाए रखने के लिए परमात्मा बोले अच्छा बेटा तेरी नीत से तो कोले हो जाएंगे नह कर चल पड़े अब राजा ने सोचा भी साधु की बात पार हो जाकर उसने खुदवा के देखा नौकरों से वो सारे कोले हो गए लाल हीरे पन्ने जो भी थे उसका तो कलेजा पकड़ लिया कति और नौकरों को भेजा के संत को लाओ बुला के और नौकर भागे गयी महाराज जी आपको राजा बुलाता है अगर राजा को गर्ज पड़े तो यहाँ आ जाएगा ये बैठा मैं वो नौकर कुछ भागे कि महाराज जी वो तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं वो नौ शेर खा राजा आप जाकर के चरणों में गिर गया परमात्मा ने कहा भाई बात सुन ठीक है उसने प्रार्थना की परमात्मा बख्श तो मेरे से गलती होगी मेरा धन वैसा ही कर दो तो परमात्मा ने कहा कि इसमें से 80 प्रतिशत दान करे तो तुझे वापस दे सकता हूँ वैसा ही कर दूंगा अब जो आप कहोगे वैसा ही कर दूंगा चल वापस आ गया अब मेरे सामने कर कंजूस कहीं फिर गलती कर दे अब उसने देखा उसे फेरोगे तो सोनो व्यूरो राजा ने फिर तुरंत भंडारे ला दिए भक्तों को है वो बांट दिए अस्सी गंज परमात्मा चले गए और का दिक्सा ले नाम दे दिया ये तो मर मर खीर खिलाओ अपने बच्चों को एक समय एक कथा सुनाता हूँ ये आदरणीय मुलुक दास साहेब जी ये अरोड़ा जाति में किसान थे कि, यानी खेती करते थे बहुत बड़े जमींदार थे और परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताकाहू मैं दास गेल गेल लग गया फिर जब तक धरती आकाश और सौ छल छीदर मैं करूँ अपने जन के काज अपनी प्यारी आत्मा को इस दलदल से निकालने के लिए सौ छल छिदर करता हूं पता नहीं के के वेश बना कर भटकता हूं एक नगर में परमात्मा कर रहे थे ये समय समय पर आकर भक्ति जीवित कर जाते हैं दाता कबीर साहेब उसी नगर में मुलुकदास के गांव में पांच चार सेवक थे गरीब गरीब व्यक्ति और परमात्मा उनके घरों में रुके हुए थे सत्संग करते थे भगत कहते थे जी कल हमारे भोजन करना एक हफ्ते के लिए रोक लिया पांच सात भगत परिवार थे तो परमात्मा जिस भी घर में जाते उनका उद्धार करने के लिए उनके कर्म बनाने के लिए तो सब भगत ये सोचते गुरु जी आए हैं अच्छा सा अच्छा भोजन करवाओ यानी खीर बनावे अलवा बनावे तो वो चौधरी साहब जो मलुकदास जी थे नंबरदार गांव के चौधरी एक नंबर के जैसे आजकल सरपंच होते हैं उसमें नंबरदार की इतनी प्रभुता होती थी वो तो सुबह सुबह घूमने जाता या घूम कर जंगल से वापस आता खेतों से तो उधर से क्या होता गरीब के घर गर में परमात्मा विराजमान थे और वहां अलवा डाल दिया अलवे में पात डालने जब कड़े में तो मैं एक दूर तक जाया रहे अब उस मनुकदास जी ने पूछा रहा क्या हो रहा भाई यहाँ जी मारे गुरु जी आए हैं और आओ आप भी भोजन पालो उसने देखा भाई एक आदमी बैठा है ये तुम्हारे गुरु है का जीवा? वो चला गया फिर दूसरे दिन दूसरे के घर में अरे क्या हो रहा है भाई यहाँ पर यहाँ हो रही है कुछ चढ़ चढ़ उन्होंने तो बताया कि जी हमारे गुरु जी आए हुए हैं तो कुछ लोग कहने लगे उस मुल्क दास को कि भाई नंबरदार गाँव में एक ठग आया हुआ है इन श्रद्धालुओं को लूट रहा है अच्छे बढ़िया खीर हलुए खाता है और भाई काम करता नहीं, नहीं, नहीं। लूट रहा है वो मूल्कदास वैसे तो भगत आदमी था लेकिन यह चौधरी बहुत बुरी होती है जाके जिस भगत के घर वो रुके हुए थे परमात्मा उस दिन अब वो मूलकदास जाकर के उस घर में प्रवेश हुआ जहाँ परमात्मा विराजमान थे और परमात्मा कबीर जी से कहने लगे ऐ भाई आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो परमात्मा के बोलने से पहले ही जो भगत था जिसके गुरु के थे दो चार भगत और बैठे थे खड़े होकर कहने लगे चौधरी साहब ये हमारे गुरु जी हैं और सत्संग करने आए हुए हमारे यहाँ कहने लगे भाई तू करके क्यों नहीं खाता है अच्छा आटा कट्टा दिखे तू दुनिया को मूर्ख बना रहा है अपना करके खाया कर तो परमात्मा कहने लगे भाई मुझे तो बिना करे मिल जाए चौधरी साहब मुझे तो बगैर काम किए ही दे रहा है भगवान तो मुलुकदास कहने लगे तेरे को बिना करे दे रहा है मुझे क्यों नहीं देता भगवान कि आपको भी दे देगा यदि आपको विश्वास होगा और उन क्रियाओं को करोगे जिससे भगवान बिन मांगे भी देता है तो वो कहने लगे क्या तेरा भगवान मुझे आज रोटी दे, दे देगा हाँ जी दे, दे देगा क्यों नहीं विश्वास करो मिला अच्छा अर्जन ना दी तो सजा देख ले फिर मैं तेरे को अपने खेतों में रखूंगा मजदूर बना के और परमात्मा बोले भगवान ने तेरे को आज रोटी दे दी तो क्या करेगा कि मैं तेरा चेला बन जाऊंगा परमात्मा बोले भाई ठीक है पर याद रखिए इस बात ने पक्का हूं भाई वचन का मैं वो मुलुकदास जी बोले मुलुकदास जी का खेत थे पूर्व में उसका अपना खेत था पूर्व में और चला गया पश्चिम दूसरे गांव की सीमा में वहां एक पेड़ के ऊपर बैठ गया जाकर अब देखूंगा या, कौन खाना खिला देगा अब क्या हुआ ये गडरिये है होते हैं बकरी बेड़ पालने वाले उनका कोई त्योहार था उन्होंने सलाह बनाई कि इस वृक्ष के नीचे खीर बना लो एक आदि गाय भी उनके साथ थी लागड़े हम इतने बकरियां चराते हैं वो बकरियां चराने के लिए गाय चराने के लिए आगे को ले गए काफी दूर और एक दो भगत की सेवा लगा वो वहां उसी वर्ष के नीचे खीर बनाने लाग गए उन्होंने लकड़ लुक्ट तोड़ कर चूल्हा बनाकर और वो खीर बना दी खीर बन चुकी थी इतने में क्या देखा उन्होंने कि कुछ घोड़ो पर व्यक्ति आ रहे हैं दूर से धूल उठ रही है तेजी से दौड़े आ रहे हैं उनको पता होता था जंगली लोगों को के इस तरह की जब कोई आता है वो डाकू होते हैं। वो भाज के डर के छोड़कर अपने मित्रों के पास के दूसरे बकरियों वाले थे तो उधर से वो घोड़े वाले आके बड़ा बढ़िया वृक्ष था उसके नीचे वो खड़े हुए रुक जाओ थोड़ी देर यहां एक कहने गा इसमें क्या बना रहा है ये क्या है देखियो उनका सरदार बोला एक डाकू नीचे उतरा जी इसमें तो खीर है वो समझ गए भाग गया होगा कोई तुम्हारे को देखकर और खीर बना रखी तो भाई और कहने लगे दूसरे डाकू के उस्ताद भूखला गरी खिला इसने एक उनमें समझदार साहब बोला रे भाई कदे कोई देर मिला गया हो कोई साजिश हो किसी ने खिला के देख लो उनमें से एक बोला भाई वो कहा गया होगा यहीं की तो छुप रहा होगा ढूंढ लो उनने और उसी को खिलाएंगे अब वो देखा इधर उधर बहुत आस पास के झाड़ों झुड़ों में एक ने ऊपर देखा अगर वो बैठा उन्होंने सोचा डरता चढ़ गया ऊपर तो उन्होंने कहा भाई नीचे आ जा कौन है तू वो कहने लगा ना मैं नहीं आऊ नीचे उसने नो ना फेरा था डाकू है उन्होंने सोचा कोरा चलते होंगे उनका शक हो गया कि भाई यू गड़बड़ है कुछ ना कुछ नीचे क्यों नहीं आता नीचा अब है कि तेरे मारे गोली जब उन गोली दिखी जब आप शट दे ही नीचे मारेंगे तो भाई एक मिनट में नीचा बैठ गया जी अक ये खीर खा उसने गाल के थोड़ा सा ढक्कन पर्त, सा था उसमें खीर गाल दी खा इसने बोला कति नहीं खाऊं अब वो पर, उसकी प्रतिज्ञा टूटे नू न उनका पक्का शक हो गया कि बदमाश कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है इसमें दो मारे जूत अल्लाह तुम्हारी अखा बैठ के अब उसने सोचा ये गढ़ेंगे और और गढ़ा पीटेंगे उसने वह खा ली और खा के एक मारी लात एक घंटा बैठाए रखा अगर मरेगा तो मर लेगा जब देखा ठीक ठाक है उसने जी वैसे कोई और बात थी और ये तो कोई और बनाव थे वो भाग्य ड्रिक है तो बोला तो भाग यहाँ से उसका मारी लात एक भाग लिया फिर खीर खाई या ना खाई दूसरी बात तो उसने जब वो देखा कि ये तो डाकू है अरुण ने मारे उसका लात और घना डर गया मलुकदास वो करे कबीर साहब को हे फलाने के गुरुजी जिसके घर में वो रुकिया हुआ था उसका नाम ले, ले के दनपत के गुरुजी आज मेरी जान बचा दे मैं तेरा चेला बनूंगा पक्का अब मालिक लेकिन उसकी फटक भी काटनी थी और वो वहां भी बरवानी थी तब तो उसको पक्की दसगी आज इस गुरु जी के कारण मेरी जान बची है ना तो सीधी मारे गोली न किस का सब भाई तो वहां से लेकर सीधी सुरती लाई उसने जान बची लाखों पाए और परमात्मा के चरणों में आके गिर गया और बैठ के नो है परमात्मा बोले चौधरी साहब भगवान ने कुछ करी सेवा नो कहने लगा जी आपका भगवान तो मर मर खीर खिलाता है मेरी जान बची ऐसे सारी कथा सुना दी तो परमात्मा कहते ये सब खेल हमारे किए हम से मिले सुनिश्चय जी अब जो प्रसंग चल रहा है वही आते हैं अब परमात्मा ने उस नौ शेर खां बादशाह से कहा कि सारे बाट और यहीं बैठा हूं ना तो तेरी और भी गड़बड़ हो सकता है तेरे घर पे। अब उस डरते ना वो सारे अस्सी प्रतिशत खुदा ने बाट दिए धर्म कर दिया और नाम ले लिया एक नाम ले अब नाम ले लिया देख किसा उद्धार किया उस प्राणी का राम तो इस इस नरक ने इकट्ठा करते हैं। सारा जीवन माया जोड़ ले माया जोड़ ले बैंक भर दे एक मिनट में भर जा फिर अगर आपके बच्चों को आप परमात्मा की शरण निश्चिंत तो होकर जाइए आप जब सतलोक सतलोकदान का समय आवे वो आपके बच्चों को हाथों पर रखेगा चिंता नहीं करनी और भगवान की खोज किस लिए करते हैं जिन्होंने शरीर तक गाड़ दिए हजारों वर्ष बैठे रहे अपने टुकड़े टुकड़े शरीर करवा दिए परमात्मा के लिए परमात्मा कहते हैं जाके ऊपर ऐसी भी ती कैसा है वो देश वो कैसा हो भगवान जिसके लिए हम ट्राई कर रहे थे और वो खोजे से नहीं मिला और स्वयं माँ के मिला, उसको हमने पहचान नहीं करी तो ये हमारी अज्ञानता थी आध्यात्मिक अज्ञानता अब दास चाहता कि आपको उस आध्यात्मिक अज्ञानता का नाश करूं भगवान को पहचान लो ग आप जल्दी तो अब क्या किया सब भंडारा करवा दिया उसके थोड़ा बहुत जितनी चाहिए थी। बीस तीस प्रतिशत वो छोड़ दी संपत्ति परमात्मा चले गए और कहा इसका भजन कर बेटा वो मंत्र जाप करने लग गया कुछ दिनों के बाद उसके मन में के आई कि मैं भी अच्छा पागल हूं गुरु जी से उनसे देखे थे कितना दान करू मैं थोड़ा बहुत करके कर कह दू जी सारा ही कर दिया या गलती कर दी अच्छा घोड़े खरीदू हो कई कोई, कोई शादी कराऊ हो इस तरह की बकवाद उसके मन में आएगी अब जो मालिक की शरण में नाम उपदेश लेकर उसने जो दान किया था वो तो उसको मिलना ही मिलना है फिर लेकिन वो मोक्ष नहीं हुआ आशा रहेगी उसकी नालायक की मैंने बड़ी गलती कर दी ऐसा नहीं करना चाहिए तो उसके कारण उसकी मृत्यु तो होगी अगले जन्म में वो बलख शहर का, का राजा बन गया और जो उसने पिछले जन्म में पुण्य किया था वो सारा ही मिलना था अठारह लाख तो घोड़े खरीद रखे और हाथी और, और सोलह हजार ब्याह करवा रखे सोलह हजार रानियां रखी हुई बहुत बड़ा बाग बना रखा नौ लखा उसमें ठाठ करे लेकिन पुण्यात्मा जैसे दास ने आज स्टार्ट किया था सत्संग कि जो पुण्यकर्मी प्राणी पिछले मनुष्य जीवन से ही आगे मनुष्य जीवन प्राप्त किए हुए हैं उनमें भगवान की भक्ति की कसक जाती नहीं अब वो भगत था ही पिछले जन्मों का तो उसने संतों की खोज शुरू कर की एक पाखंडी का फंस गया और उसके ऊपर ब्लाइंड फेत उसका तो वो था ठग अर्दीखा ईशाकुतिक बड़ा इसके साथ साधु संत संतनीगीराग दिखाओ अपने आप को एक बार राजा ने अंगूठी बनवाई सोने की बड़ा धनी व्यक्ति था वो राजा सोने की अंगूठी पचास हजार में तैयार हुई उस समय आज तो मेरे ख्याल में पांच करोड़ की हुआ हीरे पन्ने छोटे छोटे ऐसे लगा के सोने की अंगूठी और अच्छी बड्डी छाप सी थी अब राजा उस अपने गुरु के पास जाता था दस पांच असर भी दान कर देता था अब उसने देखा उस ठगने कि राजा की अंगूठी बहुत बहुमूल्य है या तो ठगनी चाहिए उसने अपने चेले से कहा कि राजा की अंगूठी कहाँ बनी है ये पता कर उसने बात बाता में पता कर लिया क्योंकि नगर में दो चार सुनार होते हैं जो राजा से संबंधित होते हैं पता किया कि सुनार से बनी है तो उससे कहा कि भाई तू एक ऐसी ही डुप्लीकेट बना दे उसने उसी अंगूठी या छाप डुप्लीकेट बना दी और वो उस नकली ने अपनी जेब में डाल ली उसके गुरु जी ने राजा को संदेशा भिजवाया गुरु जी नौका विहार करना चाहते हैं राजा को जब संदेशा मिला वो तो डिवेटिड होते हैं श्रद्धालु तो कहा भी चलो फटाफट और आपके साथ नौका विहार करना चाहते राजा ने तुरंत करवा दी व्यवस्था और आप भी आ गए और कहा महाराज चलो एक नौका में राजा एक दो नौकर राजा और उसका गुरुजी नौका में बैठे नाविक चला रहा है और घूम रहे एक बहुत बड़े सरोवर के अंदर जब उसने राजन ये क्या है अगजी अंगूठी है गुरुदेव ये कितनी कीमत होगी अगलो जी देखो ये है पचास हजार रुपये की चार अच्छा अच्छा और नाविक जरा ध्यान से चला इधर चल अब उस राजा की नजर न्यून होगी यो नाविक गड़बड़ कैसे कर रहा है वह अंगूठी डाली दूसरी नकली का के। के राजन अंगूठी तो बहुत अच्छी है पर हमारे क्या काम की उसने कहा राजा ने आप रख लो गुरुदेव अरे हमारे क्या काम की हमें लिए तो मिट्टी है वहां फेंक दी तालाब में अब राजा ने सोचा भाई गुरु जी के तो चाला है कति कतीचा की विरागी है तो किसी चीज की इच्छा ही नहीं रखता दूनी श्रद्धा बन गई उसकी पहले दस रुपये दान करता था फिर सौकरण लग गया अब वो चाहता यही था कि वो किसी तरह और अच्छा मजबूती से मेरे साथ लगे और वह ओरिजिनल गाल ली गोज में वह छुपा दी अपनी कुटिया में जमीन खोद के अपने कॉन्फिडेंशियल चेले थे लगवा दी कुछ दिनों के बाद उस चेले की गुरु की बिगड़ गई चेला उस नाराज हो गया वो चेल्ले ने सोचा इस गुरु जी की जय तुड़वाऊ उसने मंत्री से कहा कि मंत्री जी राजा की अंगूठी हमारे गुरु जी ने धोखे से ऐसे से कर रखे अब मंत्री कहने लगे भाई सच्ची बात है वो तो बताइए अगजी कति सच्ची है अग पक्की बात अगजी कति पक्की बात है मैंने अपने हाथ से दाबरा खेल इसने मेरे से बनवाई थी एक सुनार से मैं जाया था बनवा के नकली बनवाई थी ओरिजिनल फेंक दी, दी जल में मंत्री ने भाई सोचा चल जा मैं थोड़ा समय आने पर बात करूंगा तो नहीं कर सकते क्योंकि राजा तो जबरदस्त इस पर विश्वास किए हुए है एक दिन धीरे धीरे मंत्री ने कहा राजन मैंने कुछ बात सुनी है क्या कि आपकी अंगूठी उस आपके गुरु जी ने आपके साथ धोखा करके और नकली जल में फेंक दी असली वो लिए बैठा है अब राजा ने बोला मंत्री फिर से ये बात मत कहना मेरे गुरुदेव के बारे में ऐसी बात तू बोलना मत अब मंत्री चुप हो गया परमात्मा ने दया करनी थी उसके ऊपर को काफी देर जब मंत्री चुप रहा कहने लगा मंत्री सच बता क्या यह सत्य अग जी, मुझे जिसने बताया उसका कॉन्फिडेंशल चेला है और उसे मैंने बहुत खोद कर पूछा कि सच्चाई होनी चाहिए तो, तो मैं तेरी गर्दन काटूंगा तो फिर तसली कर ले उसने फिर तसली कॉन्फर्म होगी तब वो चेला बुलाया चेले से पूछा किस सुनार से बनवाई तो सुनार बुलाया राजा ने मंत्री ने भी उस सुनार से पूछ लिया था जब राजा को विश्वास हो गया फिर भी नहीं हुआ भाई देखो मैं तो जब मानूंगा अंगूठी मेरे पास हाथ में होगी वो बोला वो बोला जी चलो मैं बता दूंगा राजा मंत्री दो चार सैनिक दस बब्डी गार्ड गए और जाते चेलन काट के वह खोद कर दे दी और गुरु बैठा बैठा देखे वो अंगूठी ये आपकी हाँ तब राजा ने देखा उसकी तरफ करड़ा करड़ा पैरा मार के गिर गया वो ठग माफ कर दो आप तो बख्शनार हो मेरे गलती होगी उसका दो मारी लात अग्नि दुष्ट यहां से तू उस दिन के बाद देखो दास क्या बताना चाहता है कि जो ये पुण्यात्माएं नकली संता कह फंसी पड़ी है अरुण पर पूर्ण विश्वास करे बैठे हैं परम धनी जान के ठीक है श्रद्धालु का तो ये स्वभाव होता ही होता है अब ये ठग दुरुपयोग करते हैं इस टाइप के तो उस राजा को नास्तिक बना दिया उन्हें राजा ने आदेश दे दिया कि जो कोई भी संत साधु पावे मेरे पास लाओ सीधा आदेश कि इनको मारो और भगा दो कि कोई भी संत मिल जा उसको लाओ पकड़ के मेरे पास लाओ अब सैनिक घूम लग गए जहां भी कोई साधु संत मिले उनको राजा के पास लाओ राजा उनसे प्रसन्न करे कि तुमने कभी भगवान मिला है तुम्हें रब मिला है अल्लाह मिला है आपको मिला है तो मुझे मिलाओ अब चाहे वो अच्छे भगत थे जैसे भी थे नेक थे उनमें सारे के ठग होया करें तो उनका कोई उत्तर नहीं होता था उनको उठा करके कैद में डाल दिया एक संत ऐसे कोई समझदार सा था उसको पकड़ जाए उसने प्रसन्न किया राजा ने कि मुझे दिखाओ भगवान तुमने मिला है तो संत ने कहा जी एक दूध का गिलास मंगाओ राजा ने सोचा पीता होगा आदेश दे दिया नौकर को के मीठा करके गिलास दूध ला दे अब दूध लाके उस ऋषि संत को दे दिया साधु को, वो साधु दूध में उंगली दे रहे से देखे अब राजा कहता जी पीलो, अपने पीना है तो इसमें मीठा डाल रखा है दूध है उस संत ने कहा जी मैंने सुना है दूध में घी होता है लेकिन आपके दूध मतलब घी है ही नहीं मैं पीऊ क्या इसको तब राजा बताने लगे हंसा के महात्मा जी आप जंगल में रहते हो आपको पता नहीं दूध से घी कैसे बनता है बताऊं इसको गर्म किया जाता है फिर ठंडा सा करके नवाया सा करके इसमें जामन लगाया जाता है फिर दही बनता है दही बनकर फिर बिलोया जाता है किया जाता है फिर ये घी निकलता है समझे तब उस संत ने कहा राजन इसी प्रकार जैसे दूध से घी निकालने की विधि है ऐसे ही परमात्मा के पाने की विधि है मैं बताऊंगा आप करो राजा कहने लगे घड़ी बात मत बना चलो अंदर तुम बकवास ऐसी बातें मैंने बहुत सुन रखी है तेरे जैसे पाखंडी वो भी जेल में डाल दिया और चक्की पीसने की ड्यूटी लगा दी 360 संत कैद में डाल रखे थे राजा लोग इन अपराधियों को आटा पीसने की ही सजा देते थे क्योंकि घोड़े गाड़े रखा करते सैनिक रखा करते उनका आटा उनसे ही पिसवाते थे अब परमात्मा आते हैं क्योंकि वो भक्त भी तो उसी परमात्मा की आत्मा है जो भगवान के लिए घर छोड़ कर जंगल में बैठे थे ही वो शास्त्र वु साधना कर रहे थे लेकिन पूर्व जन्म के उसी के बच्चे थे अब वो चक्की पीस से रोवें ये भगवान बता तेरे नाम पर निकले थे आज मालिक तेरी भक्ति करते करते ये दुख हमारे ऊपर आए तो कहते हैं, पहुंचूंगा मैं अपने काज। एक तीर से कई शिकार करते हैं भगवान उधर से उस राजा को दलदल -दल से निकालना था उधर से उनकी भी बंद छुटवानी थी अब क्या हुआ एक दिन परमात्मा एक ऊंट जैसे राजस्थान के अंदर होते हैं ये राजस्थानी बड़े बड़े साफे होते हैं इनके ऊटवाल बोलते हैं इनको और लंबी नौक की जूतियां होती थी पहले एक लठ रखते थे साथ में छोटा सा कुर्ता सा पहनते थे दो तीन डबल टांग की पहनते थे ऐसी वेशभूषा बनाकर एक कारवां बोलते रबारी जैसी और राजा के रेजिडेंशियल प्लेस पर यानी उसके निवास स्थान की छत पर राजा के घर की छत पर रात्रि के समय और ऐसे खोद मारे लाठी की छत पे खट खट हो राजा की छत पे तो चिड़िया की आवाज भी नहीं हो सकती राजा एकदम नींद से उठा मंत्रियों को फालन किया ये क्या आवाज आ रही है तुम कहाँ सो गए हो और पकड़ के लाओ ये कौन है कम वक्त अब लाए ऊपर तो पकड़ के एक राजस्थानी सा लठ ले रहा हाथ में खड़ा राजा बोला तू कौन है परमात्मा बोले भाई मैं ऊंट रखता हूं गने और कल मेरा एक ऊंट गुम हो गया उस ऊंट ने ढूंढता ढूंढता तेरी छात पर आ गया मैं। नो सोचू था, कहीं आना बैठा हो तेरी छात पर मेरा ऊंट अब राजा कहता है अरे बोले आदमी छत पर कभी ऊंट हो सकता है यानी क्वाइट इम्पोसिबल तू कहाँ ढूंढ रहा है तब तो परमात्मा ने कहा जिस प्रकार छत पर ऊंट नहीं हो सकता नहीं मिल सकता इसी प्रकार तो इन संतों को दुखी करके अब्राहम भगवान नहीं पा सकता क्वाइट इम्पॉसिबल अन्यों का एक ध्यान हो गए अदृश्य हो गए वहां से राजा को चक्कर आ गया क्योंकि सामने से आदमी एकदम उद्दल हो जा तो कलेजा हिल जाए इंसान का और वहां पहुंचे कहां पर जहां वो चक्की पीस रहे थे परमात्मा ने जाके कहा उन जेलर से के भाई मेरी भी सजा कर दी तुम्हारे राजा ने वो भी साथ दूसरा रूप बना लिया मालिक जाके कहने लगे अच्छा भाई तेरी सजा कर दी कहा तू बड़ा ईमानदार आपा आ गया अकोर भाई क्या करूं क्या करूं और मैं नहीं कहीं और फिर पकड़ के लाएंगे मुझे तो जेलर ने वो भी अंदर कर दिया कि चल पकड़ चक्की पीस अब परमात्मा बोले भाई बात सुन सैनिकों पुलिस वालों एक काम करेंगे हम सभी उनसे से कह दिया कैदियों से कैदियों पर डट जाओ बंद कर दो चक्की को एक काम करेंगे चाहे तो आटा पिसवा लो और चाहे इसमें ये दाने डलवा लो एक काम तुम करो एक काम करेंगे अब हाँ उस सैनिक सोचा अच्छा तो क्रांतिकारी है भाई इसने सारे ये भी दिए तो उनने सोची कि लाइन की फड़क काट देंगे पहले चार घंटे पिसवाते थे तो ईव इनको बारह घंटे पिसवागे और हम कनक डालेंगे ये पीसेंगे कहने लगे तुम चक्की पीसो और हम कनक डालेंगे परमात्मा बोले ठीक है पोजीशन पकड़ो अब वो सारे पुलिस वाले खड़े हो गए क्यों पुलिस वाला एक का जना दस चक्की हम डाल दे इतने लगे रहे काफी देर तक तो परमात्मा बोले भाई तुम खड़े हो जाओ साधु भक्तो और आंखें बंद करो उन्होंने आंखें बंद कर ली और परमात्मा ने अपने हिस्से की जो चक्की थी उनके लिए रखी हुई थी उसके डंडा लगा दिया सोठी वो 360 सो चक्की अपने आप घूमण लायक गिन खखाट उठ गया और परमात्मा बोले ले वह सैनिकों कितना पीस लियो आराम चले परमात्मा ने कहा आंखें खोलो उन आंखें खोली तो उस नगरी से बाहर एक किलोमीटर दूर जंगल में सारे संत खड़े परमात्मा ने कहा इसे साकेट की नगरी में फिर मत तुम भाग जाओ यहां से अब अब उधर उधर बाबा जी गए पार से क्या हो रहा है वो चक्की आप पाप चलें उन पसीने आगे बुखार चढ़ गए सारे उन पुलिस वाला गए और दूर खड़े हो गए देखे सारे फिर एक सैनिक गया राजा के पास कि राजन ऐसे ऐसे, ऐसे एक आया था और उसने ऐसे जादू जंतर किया कि सारी चक्कियां चल रही हैं सारे कैदियाँ ने भगा ले गया अंतर जान के उधर से राजा के बारे में पता चला कि यहाँ भी आया था राजा ने जाकर देखा कि सचमुच चक्कियां चल रही है वो तो इसलिए था कभी सैनिकों के ऊपर फिर ये दुखी करा कर तुमने भेज दिया उनको तो चक्की चलती देख कर वो कहने लगा भाई थारा दोष नहीं ये तो मेरे पास भी आया था अब उसकी वो उस सटाट हुई उसके वह कसक भगवान की उस दिन से फिर कुछ दिन में भूल पड़ गई राजा चिंतित हुआ तो मौलियों से बुलवाकर काजियों से मौलवियों से एक ताबीज बंधवा दिया बाजू में उन्होंने बताया जी ये तो कोई ऐसे जंत वगैरह होते हैं भूत प्रेत ये फरिश्ते वगैरह आ जाते हैं कोई ऐसी बात नहीं अब नहीं आएंगे कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने क्या करा एक यात्री का रूप बनाया शाम के समय एक छोटी सी पोटली रा चलते रखा करते बैग बैग जैसे छोटा सा उसमें अपने रास्ते के कपड़े आदि होते थे ऐसा लेकर के एक पोटली सी सिर पर और शाम के समय राजा बैठा था अपने महल के सामने घर में एक तो होता है उनका दरबार ऑफिस वो अलग होता है एक अपने घर में बैठा था और वो परमात्मा पहुंच गए वहां सामने राजा के पास राजा से जाकर कहने लगे अरे भाई धर्मशाला वाले एस वाले एक कमरा किराए दे दे भाई और उसका किराया बता दे एक रात काटनी है राजा उसके मुंह की तरफ देखे उन्हें सोचा बोला बाला यात्री ग्रामीण है इसका धोखा लग गया वो कहने लग गया भाई आप कौन हो उसने कहा परमात्मा मैं यात्री हूं मैंने अपने जाना है सफर पे देर होगी मने रुकना है रात ने तो किराया बता दे कोठड़ी मने दे दे तो राजा बोला तेने पता ये क्या स्थान है क्या है भाई बता दे कि ये मेरा महल है मैं राजा हूं यहाँ का ये सराय नहीं है परमात्मा ने पूछा तेरे से पहले इसमें कौन था भाई के मेरे पिताजी थे उससे पहले कौन था कि मेरे दादे परदादे मेरे पूर्वज थे तो वहां वो कहाँ गए कि वो तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए तो आप कितने दिन रहोगे इसमें जब अपना नंबर आवे ना मृत्यु का जब हौस सवास उठ जाते आदमी के कहा जाना तो मुझे भी पड़ेगा फिर न मैल समझे मूर्ख तू ये सरा नहीं तो क्या तू मैल समझता है ये तेरे बाप दादा पड़पीट डी ये भी बस ये सरा मैं गीधी ऐसे ही तू चल जाए मैंने याद महल सरा बताई न्यू कहकर अंतर जानोगे राजा को चक्कर आके गिर गया अब फिर और मौलवी बुला दिया उसने दूसरी बात जुआ तबीज दिया। नहीं आओगा। था कोई इन्होंने प्रेत ना हटता ये तो हमने निकाल के छोड़ देगा यहाँ से काल के जाल से अब क्या हुआ कुछ दिनों के बाद राजा कुछ नॉर्मल सा हुआ ये राजा क्या करता था एक नौ लखा बाग होता जिसमें नौ लाख प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं मतलब उसमें अच्छा बढ़िया वातावरण बनाने के लिए वहां राजा टहलता था और दोपहर के समय दो तीन घंटे वहां विश्राम करता था उस बाग के अंदर राजा की जो बेड था बिस्तर था उसको संवारने का पास चारों तरफ फूल फाल सजाने की ड्यूटी बांदियों की लगाई जाती थी नौकरानियों की परमात्मा ने एक दिन एक बंदी का दासी का रूप बनाया नौकरानी यानी रानियों की ड्रेस में और नौकरानियों की ड्रेस में अंतर होता था अब परमात्मा ने एक नौकरानी का रूप बना के और बेड बिछाया खूब सुंदर चारों तरफ गुलदस्ते लगा दिए राजा की बेड पर स्वयं सो गए बंदी रूप में नौकरानी रूप में अब राजा आया उसने देखा कि तेरी सेज पर तेरे बेड पर एक बंदी सोए इसका इतना दिमाग खराब हो गया इसका इतना डर निकल गया वहां पर एक अंटर रखा होता था राजाओं के पास रखते थे आसपास रहता था, एक अंटर उठाया कोड़ा वो कोड़ा इतना जबरदस्त लगया करता था अगर घोड़े का मार दे तो घोड़ा बैठ जा इतना पीड़ा होती थी उसने क्रोधित होकर के उसको परमात्मा को बांदी जानकर दासी मानकर नौकरानी मानकर तीन कोरडे को जबरदस्त ढंग से मारे और तीन निशान नारे नारे मार के कमर पर गए अब परमात्मा बांदी रूप में खड़े हुए दासी रूप में पहले तो थोड़ा सा रोने का बहाना किया फिर हंसते हंसते लोट पोट हो गए जमीन पर लोट कर डटे नहीं डटे अब उस राजा ने सोचा इन कोरडे लागे आसन का तो ना क्या कारण है उसने बाजू पकड़ के उठाया तू हसी तो क्यों मुझे इसका कारण बता तब परमात्मा ने कहा कि मैं इसलिए हंस रही हूँ या इसी नकमी बैंड है जो बिस्तर जिस पे मैं एक घड़ी सोई और एक घड़ी सोने का मुझे दंड मिला तीन कोरडे मैं न्यू हंसू बेटा तेरी गेल के बनेगा तू तो, तो रोज सोआ इस पर अब तेरे साथ के बनेगी मैं नू हंस रही हूं और नू कह कह अंतर जान हो उस दिन दो घंटे मौसम आया राजा बेहोश हो गया लेकिन ये संसार के लोग जो काल के दूत ना मानने ना मानने दे रानिया ने फेर जंतर मंत्र करवा के कर गले में तबीज ब दिया अपना युव ठीक रहेगा उधर से क्या किया मंत्रियों ने सलाह दी रानी को कि इसको इनको आप बाहर भेज दो जंगल में शिकार करके आएंगे वहां इनका दिल सा हो जाएगा दूसरी टाइप का यहाँ रहेंगे तो चिंतित रहते हैं अब वो चिंतित नहीं रहने लग गया सचमुच ये तो एक दिन मरना है ये सब छूटेगा लेकिन हमारी आस्था की जड़ें घनी गहरी होती हैं भगवान करेन का, का काम करेगा ना जब निकलेंगे हम यहाँ से तो वो करेन भी ला हमारे लिए सतकर मानना चाहे तो कुछ भी करना पड़ा है, पर हम लगे रहना इसके अब क्या किया वो एक हफ्ते का प्रोग्राम बना के जंगल में चले गए सैनिक भी मंत्री भी जाके लगा दिया पड़ाव तो सुबह सब चल पड़े शिकार के लिए बज गए कोई शिकार यानी पशु उनको मारने के लिए नहीं मिला तो बगैर शिकार लिए राजा बापे साहब अपनी बेजती मानता है इतने में क्या देखा कि एक हिरण आ रहा है मृग राजा ने कहा सैनिकों अगर ये मर्ग हाथ से निकल गया वो उसी को मर्ग की तरह मार डालूंगा सब हो अब वो मर्ग राजा के घोड़े के नीचे के निकल गया और दूसरे घोड़ों पर थे अपने अपने अब किसने ने कहो है मार दूंगा अब यावा होता शर्मिंदा होकर पीछे घोड़ा दो, दौड़ा दिया मृग का और सेना से रहेगी पीछा वो घोड़ी दूर आगे निकल गया वो मृग जा करके इधर उधर बाई, बाई मार गया अंतर हो गया हो था उसने वो तो मालिक की लीला थी इतनी दूर चला गया आसपास उसके साथी भी नहीं और घोड़े को भी प्यास झाग आगे प्यास लग आई राजा को भी प्यास और भूख जबरदस्त लगी ऐसी स्थिति होगी कि जब दस मिनट जल नहीं मिले तो मौत हो जाए परमात्मा कहते हैं सौछल सी मैं करूं अपने जन के काज जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास और गेल गेल लग साथ साथ रहता हूं जब धरती आकाश जो जऊ की नजर में संत और भगता के पीछे फिर है वो भगत वचल भगवंत अब वहां परमात्मा ने क्या लीला की एक सुंदर बाग बनाया बगीची और एक बहुत सुंदर छोटा सा तालाब निर्मल जल का और एक झोपड़ी और आप बैठ के जिंदा महात्मा मुसलमानों में जिंदा महात्मा ज्यादा होते उनको फक्कड़ फकीर बताया करे जिंदा महात्मा का रूप बना के जोपड़ी का आगे बैठ गए और तीन कुत्ते बहुत सुंदर उनको बेलों से बांध रखा जो कुत्ते बांधने की होती और एक बेल खाली रखी हुई थी कुत्ते बांधने की एक्स्ट्रा अब राजा ने देखा वाह या अल्लाह क्यों जब आदमी मरने को आता जब कहता या अल्लाह मेरी जान बचाओ भगवान मृग्यास्ता आप ही रक्षक हो अब परमात्मा जो रक्षक है उसका तो हमने पता ही नहीं वो हमारा रक्षक तीनों लोगों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है तो वो सुनता है पल पल की वहाँ वो बगीचिर सब साजबाज एक सेकंड में कर दिया अब राजा थोड़ी देर दूर आ गया देखा सचमुच बहुत बड़ा सरोवर है थोड़ा सा तालाब है हैं बाग बगीचे अच्छी मेवा फल फ्रूट लगे हुए हैं, घोड़े को पानी पिलाया घोड़ा बांध दिया वृक्ष के स्वयं पानी पिया कुछ खाया पिया फिर देखा महात्मा जी बैठे हैं, महात्मा के पास आए अब आदमी का जो संकट टल जाता है इसने फिर बकवाद बाती है वो ही शुरुआत हो जाती है जाके कहने लगे बाबा जी इन तीन कुत्तों का क्या करेगा तू ये दो मुझे दे दे तब तो परमात्मा बोले संत रूप में कहने लगे भाई बात सुन ये वीआईपी डॉग हैं। ये ऐसे देने के नहीं है वो कहने लगे वीआईपी कैसे कि ये है ना बलख शहर का जो राजा है वर्तमान में ये उसका पिता है ये इसका दादा और ये इसका तीसरा दादा इन निकमों को मैं बार बार समझा करता भाई परमात्मा बदलो ये राजपाट सदा नहीं रहेगा पर इन्हें एक नहीं सुनी आज ये कुत्ते गए और उनके लिए अलवा बना रखा पालक ने और इतनी दूरी पर रख रखा उनके जो पहुंच से बांध रखे थे यानी छह इंच दूरी पर वो खूब कोशिश रहे ऐसे खाने की नू खाने की देख अब इनको हलवा चाहिए वो बेल थी ना खाली वो हमारी उनका कमर पर के, के। अगला मैं खिलाऊंगा तो ना लुए काजू किसमस के वो चल रहा हूं ट्या और वो सुने सारी कहानी और फिर परमात्मा बोले या खाली बेल है ना भाई या बताऊं किस लिए ले रखी है अब जो वर्तमान में राजा है ना वो मरेगा और वो कुत्ता बनेगा उसने इस तबाह दूंगा अरे इसके साथ ही उसका तो पसीने आ गए अब चरणों में गिर गया उस संत के हे भगवान या विर मट्टी होगी अज्ञा तेरा भाई कौन है तू के मैं जी वो बल्ख का राजा हूं तो परमात्मा ने कहा ये तेरे बाप दादा थे भाई इन न भी तेरे की तरह बड़ी बद पहल कमाई अब तू तकत बैठ कर बोली तेरा मन चढ़ने को सोली नालायक जो काम करने का था उतना सर्वा, शुरुआत शुरुआत भी नहीं की इतना कह के अंतर ध्यान हो गए राजा बेहोश हो गया अचेत हो गया निर्मात्मा बहुत होती है भगत की काफी देर के बाद वो होश में आया क्या देखता है ना वो कोई संत है ना कोई कुत्ता है ना बाघ ना बगीचा ऐसे पड़ा कलर में और घोड़ा देखा घोड़े के पैर पानी में भीगे हुए हैं, पानी पी रखा अपना तृप्ति अब वो समझ नहीं सक्या और ये पता लग गया तो बहुत बुरी बनेगी भाई उसी से मैं इतने मायूस हो गया आके सैनिकों से बोला नहीं और ऐसे संकेत किया कि उठाओ सब सामान को चलो मेरे साथ वो तो सैनिक तो ट्रेंड होते हैं दस मिनट में बांध देगा अपने बैग रोलिए गए घोड़े ले ले गए वापस आ गए रानियों ने पूछा मंत्रियों से क्या हो गया अगजी पता नहीं ऐसे ऐसे मृग के पीछे पीछे गए थे और पता नहीं वहां क्या हुआ इनको और वापस आए तो किसी से नहीं बोलते एक कमरे में जाकर बैठ गए रानी चली गई मंत्री चले गए मुख्य रानियां होती हैं वो तो राजा साथ घुली मिली होती है सब कुछ बोल देती है कहने लगे जी आप तो औरतों से भी गए गुजरे औरतें कहा करती हैं मुझे ये दिख गया वहां खड़ी थी एक बाबा दिखा वहां खड़ी थी एक भूत दिखा आप तो उनसे भी गए गुजरे हो गए हिम्मत करो आप तो क्षत्रिय हो ये है उसमें लागी पंप मारने उसका तो कलिज जख्म हो गया अब वो सोचा ही न समझाऊ बता इतने में एक कुत्ता आ गया उस कुत्ते के सिर में कीड़े पड़े हुए थे जख्म था उसमें जीव चल रहे थे वो आकर कहन लगे अब्राहिम अब्राहिम देख ले मैं उस नगर का राजा था मैंने जितने भी शिकार खेल लिया और जुलम किए ये देख अपने कर्म का भोग भोग रहा हूं अब जान बचाई जा तो बचा ले भाई न्यू कह करो वाज्ञा खे ही अब राजा कहने लगे देख लिया तुमने तुम्हारे सामने अब तो आगे पीछे हो तो चलो तुम ना मानो थी और कहा निकल जाओ इस कमरे से बाहर सबको बाहर कर दिया कुंडी लाली रात्रि के समय घर के पीछे से कमंद डालकर रस्सा डालकर सब वस्त्र निकाल कर और एक साल की जो है ना चदर सी बांध कैसे गले मर एक कल लपेट्या करें साधु संत ऐसे और निकल गया घर से रात ने बीस किलोमीटर खेच दी रातों रात घर रात के उठे इतने अब आगे जाके क्या देखा भूख लगी जोर की एक मालन बेर बेचे थी कहा मालन बेर कैसे देती है कहने लगी एक पैसे का शेर देती हूं अब्राहिम ने कहा ये मेरे पास पैसा तो है नहीं ये जूती है इतनी कीमती जूती पहना करता ढाई लाख रुपए की सवा लाख रुपए की एक जूती उसमें हीरे पन्ने जुड़ा रखे सारी ऐसी थी सबसे कम कीमत की थी जो पैर चल लो अब भूख का गुनात्माओ ये सोना काम नहीं करा है भूख लगी कहन लगा ये दोनों जूती दे दूंगा तेरे को मुझे एक शेर बेर दे दे और ये ढाई लाख रुपए की है मालन ऊपर लेवन बनते कहने लगी मन तो एक पीसा चाहिए क्योंकि कैसे दे दे और दोनों ठाक अपने सारा दर ली है एक शेर बेर जब तोलने लगी एक किलो एक बेर जमीन पे गिर गया तोलते तोलते मालन नो के मेरा अब्राहिम मेरा पे गिरा है के ना मेरे हाथ से गिरा है उस बेर पे गुत्तम गुत्ता <laughs> परमात्मा ने अपने रूप में आके उसका एक दिरा कान पे बोला ढाई लाख की जुती एक पीसे का बेर है देख हदम सुल्तान तेना के छोड़ दिया मेर ये ममता क्या छोड़ तू तो राज ने गिर ले लिए फिर ना है ना लाके जन वापस अपने घर ने कर ले राज तू रह तो। मुश्किल ते नरक निकाला अब घर के त्याग देने से राज नहीं त्याग जाता पुण्यात्मा अंदर से त्याग मिट्टी समझ इसको वो फिर चरणों में गिर गया ये भगवान बड़ी दया करी आपने मैं तो कति यहां तक दब चुका था दाता आपने तो रस्साई बांध कर निकाल लिया बेटा मुझे मालूम था तेरी दुश्मन थी अमाया जिसने तो अपनी प्यारी समझ लिया था अब मैं तेरे साथ ना चीज मुझे बताइए आदर खड़ा पाओगा अब क्या हुआ शाम के समय उसने फिर भूख लगी ना सुबह के समय रात तो कट गई तो सुबह याद किया भगवान भूख लगी आकाश से एक थाली आई कपड़ा उसके ऊपर डला हुआ थाल पोस उसने उठाकर देखा उसके सामने आके रुक गई उसमें क्या देखा काजू किस्मत सेब संतरों के भरी और साथ में अलवा खीर पूरी कचौड़ी और रोटी सारी आइटम उसमें वापस न्यो का नो ढक दिया कपड़ा और मुंह फेर कर बैठ गया कहना भगवान ये तो आपने छुटवाए थे ये फिर बेच दिए दस को सूखी रोटी दे दो परमात्मा ने आकाशवाणी करी बेटा तू तो सफल हुआ अब तेरी आत्मा हट गई इस गंदे दलदल से अब तू लकड़ी तोड़ और जंगल से बेच और अपना गुजारा कर और भक्ति कर बेटा नाम बिना बात नहीं बनेगी अब उसको नाम दिया सतनाम पहला मंत्र दिया फिर सतनाम दिया फिर कहा बेटा तुझे सारनाम दूंगा सारनाम जब दूंगा तू योग्य हो जाएगा। और परमात्मा ने बताया कि मेरा वहां आश्रम है तू वहां आ जाना तो वहां एक रहते थे साधु रूप में परमात्मा अब्राहिम वहां जाने लगा फिर सारनाम का समय आया परमात्मा ने कहा बेटा ठीक है वहां आ जाना सार नाम तुझे दूंगा मैं वो समय रख दिया थी, थी बता दी तो राजा आ रहा था और एक बहन भगतमती वो उसी नगर की थी और उसके नगर के पास परमात्मा का आश्रम था छोटा सा वो राजा जो भगत बन गया था वो नीचे से जा रहा था गली से वो लड़की ऊपर से कोई कूड़ा करकट उठाकर और नीचे डाल दिया उसने डालने के बाद देखा तो एक व्यक्ति पर गिर गया और लड़की झाँक के देखा फिर बाद में वो रोड़े मचाने लग गया तेने तो ये क्या कर दिया कौन है तू बदतमीज तब तो उसने देखा झाँक के हो तो किसी आदमी पे गिर गया और आंखें लाल करके कहता है काश मैं आज राजा होता तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता तेने मेरा सारा होलिया बिगाड़ दिया वो कहने लगी भाई साहब गलती होगी मैंने देखा को नहीं माफ कर दो आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट डब्ल्यू संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें एट टू 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 880541.